बांग्लादेश का वर्ल्ड कप 2023 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम के पास वैसे तो एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन उन्हें टक्कर देने वाली टीम माना जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले ही टीम में विवाद चल रहा था, फिर खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ मारपीट होती देखी जा सकती है। अब क्या है वीडियो की सच्चाई, आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटरनेट पर बांग्लादेश के क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को दर्शाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में बांग्लादेशी प्रशंसकों के गुस्साए समूह को शाकिब के साथ मारपीट करते हुए कैद किया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैंस ने उन पर हमला कर दिया है, कोई उनका कॉलर खींच रहा है तो कोई मार मार चिल्ला रहा है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये वीडियो शाकिब अल हसन के वर्ल्ड कप से बांग्लादेश लौटने के बाद का है, जहां निराश फैन ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन पता लगाने पर मालूम चला कि वायरल वीडियो ना तो वर्ल्ड कप के बाद का है और ना ही बांग्लादेश का। ये वीडियो मार्च का है। शाकिब अल हसन दुबई एक व्यवसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। शाकिब वहां एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में भगोड़े अराब खान की ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने गए थे। तभी सेल्फी लेने के लिए एक फैन ने उनके साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब साफ है कि वर्ल्ड कप में करारी शिकस्त के बाद शाकिब अल हसन के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं हुई है। बांग्लादेश को भारत में हुए टूर्नामेंट में सिर्फ 2 जीत ही मिली थी और वो टेबल में 8वें स्थान पर रही थी। हालांकि इसके बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उसे जगह मिल चुकी है। फिलहाल क्या आपने भी शाकिब अल हसन का ये वीडियो देखा? कमेंट में जरूर बताइएगा।